तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है भरी सभा में, और वो भीष्म को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को और अपने पतियों को पुकार रही है, एक बार मुझे पुकारे, मुझे पुकारे, मैं रक्षा के लिए जाऊंगा। और जब हताश हो गई तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। और कृष्ण एक मिनट में भागते हुए आए और उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण रोका, द्रौपदी की लज्जा का ख्याल रखा, द्रौपदी की लज्जा का रक्षण की। आज की बात नहीं कर रहा हूं, यह सारे युगों में होता हुआ आया। हमारी सीता माता ने क्या किया था, अग्नि प्रवेश करके आई थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया और रामचंद्र जी को राज्य के लिए छोड़ना पड़ा। किस युग में यह कार्य नहीं होता रहा और आज के युग में भी हो रहा है। तब जब द्रौपदी बाहर आई और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि प्रभु मुझे एक वचन दो। क्या? कि संसार में ऐसे इतने जितने अन्यायी है, मैं उनकी मृत्यु देखना चाहती हूं, मैं उनको मरा हुआ देखना चाहती हूं। और आज से तुम्हारे सामने शपथ करती हूं कि मैं जुड़ मेरी वेणी की जुड़ी तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इनका, इन सभी की मृत्यु नहीं होती। और कृष्ण ने कहा तथास्तु, मैं तुझे उस दिन का। और कृष्ण ने उस दिन से 16,000 गोपिकाओं को, अपने अष्टभार्याओं को, राधा को छोड़ दिया और वे उस कुरुक्षेत्र की युद्ध की तैयारी करने लगे। सभी को बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन कोई नहीं मान रहे थे तो तुम्हें इसको भोगना पड़ेगा कहा। और उन सभी को इकट्ठा करके कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा। किसी को नहीं छोड़ा जो स्त्री को कष्ट पहुंचा रहे थे, लेकिन उसके लिए समय लगा। कृष्ण उनको एक चांस देके देखना चाह रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो अहंकारवश उनको वनवास भेजे, वनवास में भी उनको सताया। यह कार्य होता रहा तो उनको मारने के लिए कृष्ण ने अपनी ही माया से उस समय में अपने 16,000 गोपिकाओं को, भार्या को, एक कोई नहीं कहता कि कृष्ण ने ऐसा किया, छोड़ा और कहा कि हे अर्जुन, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी है, ऐसे लोगों को चुन चुन को मारना है। इसलिए जब दुर्योधन उनके पास, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए, दोनों कृष्ण जब सो रहे थे तो वो ये मांगने के लिए गए कि कृष्ण आप हमें, हमारी सेना की सहायता करो। तो कृष्ण ने दोनों को भी कहा कि मैं तैयार हूं, मेरे पास एक तरफ 4 अक्षौहिणी सैन्य है, 4 अक्षौहिणी सैन्य का मतलब कुछ अरब सैनिक, यानी 400 करोड़ सैनिक एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ। आपको मांग लेना है, मैं अकेला चाहिए या 400 करोड़ सैन्य चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा इस अकेले को लेकर क्या करेंगे, मुझे 400 करोड़ सैन्य चाहिए। कृष्ण का इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, जिन्होंने अन्याय किया है मैं इसको युद्ध में मारूंगा। और वह युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र में ऐसे लोग, सारे लोग मारे गए। हर एक का एक समय होता है और उस समय के अनुसार देवता अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण का जन्म ही उसलिए हुआ था जो स्त्रियों को प्रताड़ित कर रहे थे, सता रहे थे। और इस कृष्ण की विद्या को, तब से कृष्ण ने, जब तक कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, उन्होंने अपने गोपिकाओं को या राधे अष्टभार्यों को छुआ तक नहीं, वो योगेश्वर थे। इसलिए जब वो युद्ध से देखकर बाहर आए तो उन्होंने कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप बताकर कहा कि मैं इस संसार में जन्म इसलिए लिया हूं कि यहां अन्याय होने वालों की रक्षा करूंगा। उनके बाद का सब लोग गलत अर्थ लेते हैं कि वो 16,000 गोपिकाओं के साथ रहे, उनको भी, उनकी भी रक्षा की, स्त्रियों की भी रक्षा की, भार्याओं की रक्षा की, और अपने साथ साथ उन अन्यायी वालों को भी उन्होंने अपनी तरफ से मारा। ये कृष्ण थे। और उस कृष्ण को अपना विश्वरूप बताकर अर्जुन ने कहा कि कृष्णम वंदे जगद्गुरु, हे प्रभु कृष्ण, मैं अब तक शंका में था, ये शंका थी कि मुझे, मैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, भीष्म मेरे पितामह है, दुर्योधन मेरा भाई है, ये सब सारे सगी संबंधी है, मैं इनको किस तरह मारूं। और कृष्ण ने कहा था कि ये सब द्रौपदी के अत्याचारी है, ऐसे स्त्रियों को, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले हैं। अर्जुन तू मेरी बात सुन, तुझे पितामह मारने का पाप नहीं लगेगा, तुझे द्रोणाचार्य गुरु को मारने का पाप नहीं लगेगा जिसने उस अत्याचार को देखते हुए बैठा है, मैं तुझे एक बात कह रहा हूं। और कृष्ण ने उनको जब यह विशिष्ट विश्वरूप बताकर कहा कि सर्व सारा जग मेरे में व्याप्त है, मैं महामाया को मेरे साथ लगकर मैं यहां बैठा हूं, मैं जो कहता हूं वैसे सुन। तब कृष्ण ने कहा अब मेरे गुरु द्रोणाचार्य नहीं, मेरे गुरु आप है। इसलिए उन्होंने कहा कृष्णम वंदे जगद्गुरु, आज मैं कृष्ण को जगद्गुरु के रूप में मानकर उनको नमस्कार करता हूं। और कृष्ण को के चरणों में वो गिर गए और उन्होंने जैसा कहा न पितामह को देखा, न गुरु को देखा, न भाइयों को देखा, वे मारते चले गए। कृष्ण के इस पीछे, इस कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे भी नारी रक्षा थी, इसका बहुत कम लोग जानते हैं।
कृष्ण के जब तक कृष्ण का काल रहा, कुब्जा से लेकर, कुब्जा जो कुबड़ी थी और उसने रोज कंस के लिए गंध ले जाया करती थी, कृष्ण जिस दिन मथुरा में प्रवेश कर रहे थे कंस को मारने के लिए, तो कुब्जा गंध लेकर जा रही थी, तो कृष्ण ने पूछा, ए कुबड़ी तू क्या ले जा रही है? तो वो देखकर बोली, हे तू कौन है? कृष्ण ने कहा, मैं वृंदावन गोकुल का निवासी कृष्ण हूँ और मथुरा आया हूँ। तो तेरा तो नाम बहुत सुना है बालकृष्ण, क्या तू भी मुझे कुबड़ी कहता है? सब लोग मेरे पर हंसते हैं। तो कृष्ण दया में कृष्ण ने कहा, इधर आ, अगर तू तेरा गंध मुझे देती है तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसने अपने शरीर का गंध लेकर कृष्ण को लगाया और कृष्ण ने उसके ऊपर जैसा ही अपने शरीर से गंध लेकर उसके ऊपर से घुमाया तो वो कृष्ण कुबड़ी अपना कुबड़ापन छोड़ देकर एक सौंदर्यवान स्त्री के रूप में बदल गई। इस प्रकार कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने सारी नारी कुल को और सारे लोगों का उद्धार किया, अन्याय करने वालों का उन्होंने हताश करके मार दिया गया। इसलिए कृष्ण आज भी सभी तरफ कृष्ण वंदे जगतगुरु के नाम से पूजित है। इसी तरह हम आज देखते हैं कि आज हमारे पास न कृष्ण की भांति कोई शक्ति है। हम एक पत्नी को संभालना हमारे लिए आज कष्टदायक हो गया है, एक बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए कष्टदायक हो गया है। क्या हुआ ऐसे पुरुषों में कि वो पुरुषत्व चला गया? किस क्या करने से वो पुरुषत्व को फिर प्राप्त कर सकते हैं? और हम नारी कुल की नहीं, हमारी रक्षा करते हुए कम से कम हमारे परिवार की रक्षा करने की शक्ति हम हमारे में रखते हैं। ऐसा कब होगा? क्या होगा कि हम इससे इसको करने से करने के लिए हमें प्राप्त करना है? पहले कैसे अभिमानी लोग रहा करते थे। एक बार महर्षि गौतम अपने पास अपने शिष्य के साथ बैठे थे। उस शिष्य का नाम था उत्तंक। उत्तंक शिष्य था तो उसने अपनी शिक्षा अपने गुरु के पास पूर्ण की। गुरु के पास शिष्य की अपनी पूर्ण करने के बाद वह अपने गुरु के पास गया और कहा कि प्रभु मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देकर मेरी शिक्षा की पूर्णता चाहता हूं। तो गुरु गौतम ने कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा, तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे गुरु दक्षिणा तेरे से इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तुझे, मुझे तेरी से गुरु दक्षिणा मिल गई। उन्होंने कहा, प्रभु ये विधान नहीं है, गुरु के पूछे हुए गुरु दक्षिणा को जब तक नहीं दूंगा मैं यहां से यह विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता और इस विद्या का फल प्राप्त नहीं कर सकूंगा और मैं गुरु की दी हुई शिक्षा का ऋणी नहीं हो सकूंगा, मुझे कहो क्या करना है। तभी भी गौतम महर्षि ने कहा कि मेरे पास, मैं तेरे से दक्षिणा नहीं लेना चाहता, हाँ मेरी अर्धांगिनी है, अहिल्या है, अगर तू जाके पूछ उसे क्या चाहिए, अगर वो कुछ कहती है तो देना। उत्तंक अहिल्या माता के पास गए और गुरु माता को नमस्कार किया और कहा कि माँ मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और मुझे मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ? तो अहिल्या ने कहा, वैसे तो मुझे नहीं लेकिन बहुत दिनों से एक इच्छा है। बोले क्या? मुझे वशिष्ठ महर्षि की पत्नी अरुंधति है, उसके कान में कर्ण फूल है, वो मुझे चाहिए। तो उत्तंक ने कहा, माँ तुमने जब ये कहा है तो मैं वो कर्णफूल लाकर देने के बाद ही मेरी गुरु दक्षिणा लेकर मैं यहां से जाऊंगा। और वे वहां से सीधा चलते चलते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ के आश्रम जाकर उन्होंने नमस्कार किया और माता अरुंधति के पास गए और कहा कि माँ मैं गौतम महर्षि का शिष्य हूं, मेरी गुरु माता ने मुझे ये कहा है कि आपके जो कर्णफूल है वो मुझे प्रदान करो, मैं मेरी माता को दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूं, आप इसके बदले में मुझसे कुछ चाहती है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वशिष्ठ महर्षि उससे बहुत आनंदित हो गए और कहा कि तुम्हारी गुरु सेवा से जब तुम्हारे गुरु प्रसन्न है तो सारे देवता प्रसन्न है, मैं भी तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, मैं अरुंधति से कहता हूं कि उसके कर्णफूल दे दे। और उन्होंने उन कर्णफूलों को उत्तंक को दे दिया। देते हुए एक बात कही, हे उत्तंक इन कर्णफूलों को तुम बहुत अच्छी तरह रखना, इसे कहीं भी रखे, इसको पाने के लिए देवता यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस आदि इन कर्णफूलों को प्राप्त करने, क्योंकि ये मेरे तपस्या के प्राप्त फूल है, आज माता अहिल्या ने मांगे हैं तो मैं एक योग्य स्त्री को मैं ये कर्णफूल देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कर्णफूल देकर भेज रही हूँ, इसको देख कर रखना। उत्तंक उन कर्णफूलों को ले लिया, ले लेकर जा रहा था, संध्या का समय हुआ तो एक नदी के किनारे बैठकर अपने बाजू में ही कर्णफूल को रखकर संध्या समय में गायत्री मंत्र करने के लिए गायत्री मंत्र कर रहा था। तब
जो पाताल लोक में तक्षक थे उन्हें पता चला कि अरुंधति के कर्णफूल यह ले जा रहा है, उत्तंक ले जा रहा है, वह माया से आए। जब ये ध्यान में संध्या वंदन में थे तो उन्होंने आके उन कर्णफूलों को चुराया और नागलोक को चले गया।